गुरुवार को नगरपालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने नगरपालिका परिषद बोर्ड के सभासदों और पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में नगर में होने वाले कार्यों को गति देने के लिए 6 नई ट्रॉलियां, 3,000 लीटर का पानी का टैंक, फोगिंग मशीन सहित अन्य उपयोगी उपकरणों का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर नारियल फोड़ कर फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर नगरपालिका कर्मचारियों ने पालिका अध्यक्ष और सभासदों का माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने सभासदों की मौजूदगी में जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी उपकरणों से नगर में होने वाले कार्यों को और भी तेजी आएगी। फोगिंग मशीन के सहयोग से मच्छरों से छुटकारा मिलेगा, पानी के टैंकर से समय समय पर पेयजल की समस्या से निजात मिलेगा। इस बोर्ड के माध्यम से नगरवासियों को प्रत्येक समस्या से निजात दिलाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद द्वारा कोसी कला की सफाई व्यवस्था और अन्य कार्यों को विधिवत तरीके से सुचारू करने के लिए आज हमने यहां पर 6 ट्रॉली जो कूड़ा ढोने वाली रहेंगी और एक फॉगिंग मशीन डबल वेरन, जिससे कि पूरी बड़ी गलियों में भी कार्य किया जा सकेगा, और एक फ्रंट लोडर जो कूड़ा उठाने का कार्य करेगा, और एक 3,000 लीटर का वाटर टैंक। ये सब सामान खरीद की है। मैं समझता हूँ इन सामानों के माध्यम से हम बहुत कुछ समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे। भविष्य में भी 6 ट्रैक्टर नए लाने का हमने प्लान बनाया है, ताकि हमारे सारे वाहन जब नए होंगे, वर्षों से कोई खरीद नहीं हुई है इस क्षेत्र में, जो हमने उपकरण खरीदे हैं, इससे निश्चित तौर से कोसी कला में एक सुधार कार्य आएगा। इसी भावना के साथ मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोसी कला की जनता जनार्दन भी सभी विषयों को समझते हुए आम स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा ना फेंकें, जिससे कि गंदगी को बढ़ावा मिले, उस गंदगी को रोकने का प्रयास करें, नाले नालियों में भी खुला रूप से कूड़ा ना फेंकें। इन्हीं बातों के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत